हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं, जो कि है एस्टिक सीक्रेट का काओलिन क्ले। एस्टिक सीक्रेट एक ब्रांड है जो कि काफ़ी सारे अलग अलग वेराइटीज़ के क्ले मैन्युफैक्चर करती है। आज मैं आपके साथ यहां पर बात करने वाली हूं काओलिन क्ले के बारे में। और एस्टिक सीक्रेट का जो काओलिन क्ले है, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है इसमें और बिल्कुल ही प्योरेस्ट फॉर्म में है अपने। एंड इसमें किसी भी तरीके के प्रिजर्वेटिव्स, हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ है। अब मैं आपको काओलिन क्ले के बारे में कुछ अमेजिंग सी बातें बताती हूँ। आप इस काओलिन क्ले को अपने स्किन के अलावा अपने बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी स्किन के लिए। हम सभी लड़कियाँ चाहती हैं कि हमारे फेस पर बिल्कुल भी पिम्पल्स के मार्क्स ना हो, टैनिंग ना हो, स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगे, स्पॉटलेस लगे, क्रिस्टल क्लियर लगे। सो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं काओलिन क्ले का। मैं खुद भी वीक में 2 से 3 बार इस क्ले को अपने पूरे फेस पर यूज़ करती हूँ। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमें जस्ट एक बोल में 2 चम्मच काओलिन क्ले को लेना है और इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखना है। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का यह होना चाहिए। और आप इस क्ले को अपने फिंगर्स की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्ले को 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पर ड्राई होने दीजिए एंड देन आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर की हेल्प से वॉश कर सकते हैं। सो ये है इसे लगाने का तरीका। और इसे लगाने के तुरंत ही बाद आपको अपने स्किन में बहुत अच्छा ग्लो दिखने वाला है। चेहरे पर जितने भी पिंपल्स के मार्क्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं, वो काफ़ी हद तक लाइट हो जाएंगे और सन टैन की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाली है। सो आप काओलिन क्ले को एक बार मेरे बताए हुए तरीके से अपने चेहरे पर अप्लाई कर ज़रूर देखें। और अब मैं आपसे बात करती हूँ बालों के लिए। कई बार जब हम शैम्पू करते हैं अपने बालों को, तो हमारे स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल रहता है वो निकल जाता है और यही रीज़न है कि हमारे बाल जो हैं ओवर वॉश्ड लगते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। सो आप इसे एक हेयर पैक की तरह भी अपने बालों पर अप्लाई करके रख सकते हैं। आधे घंटे के लिए, 15-20 मिनट्स के लिए आप इसे अपने बालों पर लगा कर रखें और उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं अपने बालों को। सो ये इंस्टेंटली हमारे बालों को स्मूद करने वाला है, हमारे बालों में शाइन ऐड करेगा और बालों के स्कैल्प के पीएच लेवल को भी मेंटेन कर रखने वाला है। मुझे तो पर्सनली ये एस्टिक सीक्रेट का काओलिन क्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैं इसे हफ्ते में 2 से 3 बार अपने फेस पर यूज करती हूँ फेस पैक की तरह, और मंथ में 1 से 2 बार मैं इसे अपने बालों पर भी यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इन्हें नरिशमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, इन्हें बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है हमारे बालों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हेल्थ एंड ब्यूटी एस्टिक सीक्रेट का काओलिन क्ले फॉर बोथ स्किन एंड हेयर। सो ये जो काओलिन क्ले है, इसे आप क्ले बाथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फुट सोकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, नी पैक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस क्ले की रिफ्रेशनेस को इंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करने वाला है, इम्प्योरिटीज़ को निकालने वाला है और हमारे स्किन के पोर साइज को भी टाइटन अप करने वाला है। हमारे स्किन में जो लार्ज पोर्स हो जाते हैं उन्हें रिड्यूस करने वाला है। सो ये एस्टिक सीक्रेट का काओलिन क्ले एक नेचुरल पाउडर क्ले है जो कि काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और हमारी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसमें काफ़ी अमेजिंग मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और ये एक्सेलेंट फेशियल क्लेंजर की तरह काम करता है, प्योरीफाइंग मास्क है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो इसे लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इसे अपने पूरे फेस पर, नेक पर अप्लाई कर सकते हैं एंड 15-20 मिनट्स के लिए आप इसे अपने चेहरे पर लगा कर रख सकते हैं। और आप इसे यूज़ करने से पहले, 15-20 मिनट्स पहले, आप इसे पैच टेस्ट भी कर सकते हैं अपने नेक के पास, अपने हाथ के पास, कि आपको इससे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। एंड ये सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बट आप एक बार पैच टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। सो इस काओलिन क्ले में काफ़ी अमेजिंग मॉइस्चराइजिंग और रिवाइटलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, हमारे हेयर्स को रिप्लेनिश करता है और डीप मॉइस्चर भी डिलीवर करता है, हमारे हेयर और स्किन को सॉफ्ट बनाता है, रिचार्ज करता है और रिवाइटलाइज करता है। इसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं है, कोई भी पैराबिन और पेट्रोलियम भी इसमें एडेड नहीं है। मुझे पर्सनली एस्टिक सीक्रेट का ये काओलिन क्ले बहुत पसंद आया है। मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है एंड अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी परचेस लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। सो एक बार इस काओलिन क्ले को ट्राई कर ज़रूर देखें। एस्टिक काओलिन क्ले फॉर बोथ स्किन एंड हेयर बहुत अमेजिंग काम करता है हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।